वेलकम। सो जैसे कि आपने अभी तक सोशल मीडिया एंड डिफरेंट हैंडल्स पे देख लिया होगा कि बम्पर वैकेंसीज आपके लिए रेफ़र कर दी गई हैं। लगभग 14,000 वैकेंसीज जो रेफ़र की गई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स की, एग्ज़ाम कब होंगे, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले तो मैं इन वैकेंसीज की बात करूं जो रेफ़र की गई हैं, जो रिसीव की गई हैं फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो आप देख सकते हो, आई थिंक अभी तक आपने सभी एस्पिरेंट्स ने जो भी जॉब्स के लिए सर्च कर रहा है तो आप तक ये ज़रूर पहुंच गया होगा। सो टोटल वैकेंसीज आप ज़रूर देखिएगा, एक बारी गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ, 14,624 वैकेंसीज जो रेफ़र की गई हैं। सो इट्स अ ह्यूज नंबर। सो अब इतनी वैकेंसीज़ को देख के लगता है कि आने वाले कुछ समय में जम्मू एंड कश्मीर का हर एक युवा जो भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके पास रोज़गार होगा, ऐसे देखने में लगता है। ओके, बट प्रैक्टिकली चीज़ें कैसी होती हैं वो देखने वाली बात है, वो फ्यूचर में पता चलेगा। बट आज हम बात करेंगे जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था कि जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, जब तक कोर्ट में मसला है, कोर्ट इसमें क्लियरिटी नहीं दे देता कि क्या होगा, तब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। एंड वही इसी चीज़ से मुझे हमारे JKSSB के चेयरमैन का भी स्टेटमेंट याद आता है। बिफोर द एग्ज़ाम्स, जब एग्ज़ाम को डेफर किया गया था उसके एग्जैक्टली एक दिन बाद, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सोशल मीडिया पे एंड डिफरेंट न्यूज़ हैंडल्स पे देखा था, उनके अकॉर्डिंग टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एग्ज़ाम को डेफर किया गया था। अब ये दोनों दोनों स्टेटमेंट्स को देखे हुए सीरियसली अब ये सवाल बनता है हमारे चेयरमैन साहब से कि आखिरकार इंटरनली चल क्या रहा है हमारे मनोज सिन्हा जी द्वारा। एंड जैसा हम सबको यही एक्सपेक्टेशन था कि ऐसा ही होना चाहिए, जब तक कोर्ट क्लियर ना कर दे रिगार्डिंग द टेंडर प्रोसेस, जो अपटेक कंपनी पे टेंडर प्रोसेस पे जो एलिगेशंस थी, अगर वो जब तक कोर्ट नहीं क्लैरिफाई कर देता तो तब तक एग्ज़ाम्स कैसे। बट हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था कि एग्ज़ाम तो होगा, एग्ज़ाम ये डेफर किया गया इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि अपटेक का कोई पास्ट रिकॉर्ड ख़राब है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस। तो मैं उन एस्पिरेंट्स से जो सवाल अक्सर दूसरे स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि ये लोग एग्ज़ाम डेफर करते हैं इनकी वजह से हुआ, तो आई मस्ट सजेस्ट कि ये क्वेश्चन आप चेयरमैन साहब से भी ज़रूर पूछे, क्योंकि मेरे भी कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ कि आप लोगों ने ये किया वो किया। तो यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू अवर ऑनरेबल चेयरमैन राजेश शर्मा जी कि आप तो टेक्निकल ग्लिच कह रहे थे, नाउ व्हाट इज़ दिस। देखो यार, टू बी वेरी फ्रैंक, टाइम वेस्ट हम लोगों का हो रहा है। लाइक अब कोर्ट के पास मसला है, 5 अप्रैल को जो ये सुनवाई होनी है, 5 अप्रैल को सुनवाई है, सिंगल बेंच की हियरिंग करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का टाइम दिया है। तो मैं तो ये होप करूंगा, हम सभी होप करेंगे कि एक ही हियरिंग में ही इसका मसला सॉल्व हो जाए, क्लियर एविडेंस मिल, कोई भी जो भी कोर्ट को लगता है वो अपना क्लियर कट 4-5 तारीख को ऑर्डर आ जाए। हालांकि कुछ टाइम लगता है, रिजर्व ऑर्डर होता है अगर, बट ऐसा नहीं हुई 4 महीने तक चलता रहे, एग्ज़ाम्स डिले होते रहे। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी यार, ये वैकेंसीज तो ठीक है आए हैं, बट हम होप ये करते हैं कि यार अगर ट्रांसपेरेंट मेथड से अगर रिक्रूटमेंट चल ही रही होती तो इससे पहले भी जितनी रिक्रूटमेंट्स अगर हुई हैं, लगभग अगर मैं FAA एग्ज़ाम के 972 वैकेंसीज, JKPSA की 1200 वैकेंसीज, तो लगभग 2100 लोग सेटल हो चुके होते हैं एंड क्रीमी लेयर हट चुका होता है। ये वैकेंसीज उनके लिए रहती जो उसके बाद के बच्चे नाउ इसी वैकेंसीज के लिए सभी लोग कम्पीट करेंगे, फिर से एक लस्सी गुल रही है जो हम कहते हैं देसी भाषा में, वो तो सारा चल ही रहा है। बाकी यार, ये थोड़ा बहुत आप लोगों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि आखिरकार सिस्टम ही चल रहा है। पढ़ाई अपनी जगह है, अवेयरनेस अपनी जगह है, सिस्टम क्या चल रहा है सिस्टम में, इस चीज़ को भी जानना आपका राइट है। एंड आपको पता होना चाहिए भाई, आप लोगों की एजुकेशन है, यू आर ऑल एजुकेटेड, यू मस्ट नो अबाउट योर नियर एंड डेयर कि हो क्या रहा है, आगे आगे पीछे चल क्या रहा है सिस्टम। तो ये सब चीज़ें जानना भी इंपॉर्टेंट है, नॉट कि हम लोग बुक वॉर्म बन के। कई कमेंट्स मैं स्टूडेंट्स के देखता हूँ कि सर आप लोग ये करते हो वो करते हो, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। तो अब आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में मैंने फिर से शुरुआत कर दी, इन सभी वैकेंसीज में आपको पार्टिसिपेट करना है, जॉब लेनी है। तो बस सबसे पहले कि जॉब ट्रांसपेरेंट मेथड से हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगी एंड उसके बाद ही सबकी जॉब लगेगी, अदरवाइज ये घफला चलता रहेगा तो फिर ये सिस्टम खराब ही चलता रहेगा। बाकी ये वैकेंसीज हैं, आप लोग इसका PDF आई थिंक अभी तक आपने देख लिया, डिस्क्रिप्शन वाला लिंक भी शेयर करूंगा, देख लीजिएगा। एंड अब देखते हैं एग्ज़ाम्स कब तक होते हैं, क्या इस एग्ज़ाम्स को भी टाइम लगेगा, कब तक ये हियरिंग के बाद कोई डेट ना पड़ जाए या फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा 5 अप्रैल को, तो ये सब चीज़ें देखने वाली हैं। तो बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी ही, बाकी डेली करंट अफेयर्स आपके साथ मैंने शेयर करना स्टार्ट कर दिए, उसे भी देखना स्टार्ट कर दीजिए।